हाय दिस इज मनीष शर्मा। सो ये वीडियो में हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे किस तरीके से मार्क करना है। तो प्राइसेस अगर अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है एंड दिस ट्रेंड लाइन पॉइंट्स विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो जब भी प्राइसेस या ट्रेंड लाइन को टच हो रहा है हायर चांसेस है ये सपोर्ट लेकर बाउंस करेगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से मार्क करना है, सपोर्ट आपको इस तरीके से मार्क करना है। जो भी हाईज है वहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है, लोस को कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मार्क करना है। अब चार्ट पे रेजिस्टेंस भी समझ लेते हैं। जब प्राइसेस गिर रहा है तो जो भी हाई को आपको जॉइंट करके एक ट्रेंड लाइन बनाना है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। एंड जब भी प्राइसेस ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा हायर चांसेस है प्राइसेस वापस टच करके फॉल हो सकता है। सो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये साइडवेज मार्केट हो गया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जो हाई है वो रेजिस्टेंस है, जो लो है वो सपोर्ट है। एंड ये है चार्ट पे सपोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।